यूपी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी की राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिना सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के अब बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति पद से अतिक्रमण हटाया जा सकेगा, लेकिन बिना इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। ये आदेश 1 अक्टूबर तक के लिए जारी किया गया है। अगले आदेश तक देश में मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट द्वारा कहा गया कि देश के सभी राज्यों में इन निर्देशों का पालन करना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश निजी संपत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा, यानी सार्वजनिक अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाए जाने पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ जनता को डराने का एक तरीका था और उन्होंने उसे न्याय का नाम दिया, जबकि बुलडोजर तो अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया, और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे, जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी किसको ग्लोरिफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। आपको पूरा मामला बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा हिंद की बुलडोजर कार्रवाई की याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया। आरोपियों का दोष साबित होने के पहले ऐसी कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है। अपराध किया है या नहीं ये साबित करना कोर्ट का काम है, सरकार का नहीं। याचिकाकर्ता ने आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र भी हुआ है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है।